एक बार फिर मुझसे कुछ रह गया। एक तो मैं पहले ही अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में पढ़ा ही नहीं पा रही हूँ जिसका वो हकदार है, और अब ये केके जी, कैसी माँ हूँ मैं? जानवी, शांत हो जा, तुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर अब ये देख, केके जी, किंग कोहली ग्लव। जानवी, तू एक माह होके पीना 5 माह जितना कर चुकी है इस बच्चे के लिए। तू भी तो एक इंसान है ना यार, कोई सुपर वुमन तो नहीं है? मत घबराना यार, मत दोष दे अपने आप को। कसम से यार जानवी, तुझ जैसी माँ ना हर बच्चे को नसीब होनी चाहिए, क्योंकि तूने अकेले ही कियान की वो परवरिश की है जो एक माँ और बाप मिलकर भी नहीं कर सकते। नहीं अरे तू, मुझे इस बच्चे को इसकी जरूरतों को समझने में भी मुश्किलें होती हैं। अब देखा, ये केके जी क्या था मुझे पता ही नहीं चला, तो क्या फायदा ऐसी कोशिशों का? जानवी तू ये क्या बोल रही है? आखिर कब तक अपने आप को दोष देती रहेगी, जबकि सारा कसूर तो उसका है। जानवी तू 23 साल की होके ना 40 साल की औरत की तरह अपनी लाइफ जी रही है, वो भी सिर्फ जिम्मेदारियों के खातिर। तुझे ना उस आदमी की वजह से तेरी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आखिर कब तक ये सब अकेले तू संभालेगी, कब तक? देख ये, इसी संघर्ष की बात कर रही हूं मैं। जानवी आखिर कब तक अकेले पालेगी इस बच्चे को, कब तक अकेले ये बोझा उठाएगी तू? लो उठा लिया, देखा तू, तुम सांस लेती हो? हाँ लेती हूँ। और सांस लेना कभी बोझ लगा? नहीं। बस कियान मेरी सांस है, वो कभी बोझ हो ही नहीं सकता। तुमने आज ये बात कह दी, फिर से मत कहना।